जंगल के बीच में ये क्या जगह आ गई? ये वो तो नहीं है, वो नहीं है, है? कामरान भाई, सुहास भाई, ये वो जगह तो नहीं? आगे वही है लेकिन और आगे है यार, अंधेरे में पता नहीं चल रहा। अल्लाह पाक, घंटियों की आवाज यहाँ भी आ रही। साथ साथ आइए ना सर भाई, साथ साथ आइए। इधर से, इधर से। यहाँ कौन है मुझे बताएं, कोई नजर आ रहा है? आई थी ना घंटी की आवाज, कोई हमारे साथ साथ चल। ये माय गॉड, माय गॉड, यार इतनी तेजी में चारों तरफ कैसे कोई हंस सकता है, है ना? कोई इधर कोई इधर ना। ये जजीरा का है ना साहब, मैंने गलत नहीं कहा इसको, ये जजीरा ही है भाई जान। मुझे दिखा दें, कोई नजर आ रहा है? सिल्वर लाइट दे मुझे, जाले हैं यहाँ पे तो, ये देखें, ये रे जाले, ये जाले, वो जाला, ये देखे कितना बड़ा जाला है, इधर आए, ये कितना बड़ा जाला है, नजर आ रहा है? यहाँ से लेके वहां तक है इतना बड़ा जाला, इधर कोई नहीं आया इस रस्ते पे कोई। सुहास भाई दूर ना रहो यार, करीब रहो, साथ साथ रहो। हाँ वो क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, डर के हमारे पैर जमीन पे थम गए। आप आगे जाएं, बस दुआएं दुआएं पढ़ते रहो। आप आगे हो जाएं सर, लग रहा है सैकड़ों नजरें हमें देख रही हैं यार हमारे आसपास। हंसी की आवाजें, कहकों की आ रही है, वो घंटी की आवाज वहां से हमारे साथ चलती हुई आ रही है, और कोई नजर आ रहा है? नहीं, दिखाया दूर दूर तक। मुझे वैसे ही सर यार, देखो सही, एक नगा दुरा यार, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी यार, कुछ भी नहीं आ रहा बगैर लाइट के, और आपकी लाइट में कुछ दिखता हल्का फुल्का सा। आप क्या कह रहे थे? मुझे ये जो अभी हैरत हुई ना, एक हंसी की आदमी टाइप की आवाज़ है, वही हंसी की आवाज़ इस तरह पाई, अचानक सिक्के हजार में से यहाँ, यही होता है, यही होता है। इससे कैसे कोई इंसान बचकर रहता है, कोई मखलूक? एक घंटी की आवाज़ सही नहीं है, ये कौन सी जगह है? अस्सलाम वालेकुम, लाहौल व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल अली अज़ीम। या ला ला, इस तरफ जा रही, इस तरफ जा रही, इस तरफ। सुन लो, अभी हम पहुंचे नहीं है जगह पे, ये वो जगह नहीं है, नहीं, ये वो जगह नहीं है। वो एक और दरख्त आ गया बड़ा यार, हमारे साथ साथ चल रही हैं चीजें। ये क्या है, ये क्या जगह है? ये तो बड़ी कदीम बनी हुई है यार, ये पानी स्टॉक करने के लिए शायद, शायद शायद ओजी टाइप की बनती है वो यार। ये ब्लॉक्स तो बड़े पुराने हैं, ये हैं आपके पैर के पास है, जमाने के हैं, जैसे 150 साल पहले अंग्रेजों ने बनाए हो शायद, भारी पत्थर कट के बने हुए ना जी। लग ऐसा रहा है जैसे वो जानवरों के चारे के लिए चीज़ रखी है। वही वही वही, और ये हौज बनाया पानी का, पानी का हौज बना। है तो सही जगह, लेकिन दीवार के उस तरफ सराब भाई सिर्फ और सिर्फ झाड़ियाँ हैं और हरियाली। ना जाए ना जाए ना जाए सराब भाई, ये वो जगह नहीं है ना, ये वो जगह नहीं है। हम 1.5 किलोमीटर आगे आ गए होंगे पैदल चलते चलते। सिंचाई दर कैसे है? गड़बड़ हो गई है अब। हाँ, यहाँ से गड़बड़ शुरू ज़्यादा हो गई है भाई, ख्याल से। चल भाई, ये रिकॉर्ड कीजिएगा यार, शिराज भाई आइएगा, करीब आइएगा साहब। ये सूखना शुरू हुए हैं साहब भाई, नहीं दादा ये गए, ये सूखे हुए थे, हर पत्ता जला हुआ है, हर पत्ता जला हुआ है, जला हुआ जला हुआ है, और 1, 2, 3, 4 चारों के चारों ऐसे ही। तौबा, ये घंटी की आवाज क्यों नहीं जा रही यार? वो विंड चैंप्स होते हैं,
कुछ वो आवाज टाइप नहीं है यार, 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 ये जो... वो यहाँ तो इंट्रोड्यूस भी नहीं होंगे, वो तो शहरों में होते। चलो ये कैसी आवाज थी, बहुत दूर से आई, बहुत घंटियों की आवाज मुझे आ रही है, आप लोगों को भी आ रही है? नहीं नहीं आ रही है, आ रही है, मुझे सुन आ रही है सर, भी उस वक्त से आ रही है जब से हम चलना शुरू किए वहाँ। चलो वो तो जंगल था ना, जैसे आपको ख्याल आया कोई बाड़ा हो आसपास शायद, मैंने पूछा शायद क्योंकि हो सकता है। अब 1.5-2 किलोमीटर हम चल रहे हैं तकरीबन अभी तक, यार मेरे कान बज रहे हैं क्या? नहीं दादा नहीं 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 सर, वहीं से चल रही है आवाज़ आई। हवा के दोष पे ऐसा लगता है कोई करीब आ रहा है कोई दूर जा रहा है, कोई करीब आ रहा है कोई दूर जा रहा है। एक सेकेंड, पीछे दीवार के पीछे देखिएगा सर, दीवार के वो सामने कौन शायद करीब में जाइए, वो सामने नहीं वो ब्लॉक्स हैं सुरभ, ब्लॉक्स है ना, ब्लॉक का है पूरा वजूद खड़ा हुआ है वो ब्लॉक्स है ना। नहीं यार हमें तो ब्लॉक्स ही अच्छा, अगर ब्लॉक्स हुए तो कहीं और भी बने हुए होते ना यार। नहीं नहीं ये कोई खड़ा हुआ है ना यार, कोई वाइट में खड़ा है ना, यही लग रहा है यार। देखो तो सही भाई प्लीज यार, गौर से जूम किया मैंने, कौन है समझ से बाला तरह, इधर आओ करीब आओ करीब आओ, घंटियों की आवाज बढ़ रही है, करीब आओ कमन, कौन हिल रहा भी नहीं है। तो कह रहा हूँ अल्लाह करे ब्लॉक्स ही हो यार, ब्लॉक्स कैसे हो सकते हैं साहब, पूरा शेप बना हुआ इंसान को, वो ऐसा लग रहा है कि हाँ कंधों का शेप आ रहा है, सर का शेप तो आ रहा है इसमें, ये तो लाइट हटा रहा हूँ, आप देखें आप देखें, एक सेकंड मैं जूम करता हूँ, ये कैसी आवाज थी यार, सुनी सुनी यहाँ कहाँ से आ गए, ये कहाँ भौंक रहे हैं? ओ भाइयों चारों तरफ से आवाजें बढ़ रही हैं हमारे करीब आ रही, क्या हम चारों के अलावा कोई मौजूद है यहाँ पर? इसमें से आई ना, इन्हीं में से ना, लाहौल वाला कुव्वत अल्लाह। भाइयों मैं मर्जी है, जाना है आगे नहीं जाना, ये तो अनजान रास्ते पे चल पड़े हैं यार शिराज भाई। बात ये वापसी भी यही रास्ता एक सिर्फ, अब यहाँ तक आ गए तो आ ही जाते हैं साथ, हम यहाँ कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए। लाहौल वाला कुव्वत हंस क्यों रहे हैं हम पर, निकले शिराज भाई आगे की तरफ निकले, कम से कम शिराज भाई आ जाए, यार तो हल्ला कुछ हो रहा है यहाँ पे तो, खौफ से पड़ते जाएंगे। ये दीवार आ गई पांव धस रहे हैं अंदर मिट्टी में ना, सांप बिच्छू सब चीजों का ख्याल रखिएगा। आई हाँ, मुझे तो नहीं आई ना, आप लोगों को भी आई ना? मुझे भी आई आवाज, सुन रहे हैं बच्चों की आवाज़ वही तो मैं कह रहा हूँ, सुबह लाइट के सामने बच्चों की आवाज़, कौन है इधर, इधर आए दिखाए कमान पे शराब, इस तरफ दिखाओ यार, दूर दूर तक भाई कोई नहीं है यार, कदम रखते ही हमारे पीछे नहीं चलो। अब मेरे रोंगटे खड़े हुए पूरे जिस्म के, पूरे जिस्म के मेरे पांव के रोंगटे खड़े हो गए, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि यार इलाका मुकीन जिसने बुलाया वो एक अनजान रास्ते पे चल पड़े हैं सर भाई हम यार। सुबह ये जगह पर आप यकीन करें पूरे जिस्म के रोंगटे जो है ना वो खड़े हो चुके हैं, पांव के भी खड़े हो चुके, हम सिर्फ जाए जा रहे हैं
एक से डेढ़ किलोमीटर तो हम चल पड़े, ज़्यादा चल पड़े। और दूसरी क्या, खाली और इतनी थकावट हो रही है इस मिट्टी में, ऐसा लग रहा है दौड़ते हुए आ रहे हैं वहाँ से। बात ये रास्ता यही है वापस जाने का, यहाँ तक आ गए कम से कम जगह को देख के फिर भले जाना पड़े चले जाएंगे वापस। ठीक है, दीवार के बाद कहाँ जाना है हमें पता नहीं, रास्ता तो ये जा रहा है, ये देखें ये झाड़ियाँ हैं, रास्ता ये जा रहा है। वहाँ कुछ नज़र तो आ रहा है यार, गेट में बना हुआ नज़र यार, ये घंटियाँ मेरे सर में लग रही हैं पता है, पीछा नहीं छोड़ रही हमारी। चलो किसी की आवाज़, क्या कहा, क्या कह रहे हैं? ऐसा लगा आओ बोला है। ये देखो ये आवाज़ सुना यार, मैं घंटी करीब आती जा रही है ना, है ना? हाँ फिर आवाज आई, ढेका नहीं लगाते मुझे। उन्होंने कहा था कि आपको रास्ते में बड़े मसाइल का सामना होगा, लेकिन ऐसे मसाइल का सामना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आपके पीछे से इधर से। सुन की आवाज़ है यार, सुन रहे हो? हाँ ये सुन रहे हो, कौन सी आवाज़ है जो यहाँ तक नहीं आई हमें? साथ साथ आ रही है वहीं से, कोई जानवर भी नहीं दिखा उसके बाद से, दिखता नहीं है उस बिल्ली के बाद से, कोई जानवर भी नहीं दिखा ना? नहीं, गेट नजर आया सर, तो गेट कैसे गायब हो गया है? अभी हम गेट के पास आ गए थे, नहीं दीवार के पास आए थे। मैंने कहा ना गड़बड़ शुरू हो गई है, चेक कर रहे हैं? ये भी कुछ है। चल भाई जी, चेक कर रहे हैं? बिल्कुल। कैसा भाई, पता है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लाइट दे रास्ता जो है ख़त्म होने वाला नहीं है और हम चलते जा रहे हैं। नहीं मुझे उम्मीद था आज और... है दीवार एंड होगी ना। हाँ यार ये डरा रही है चीज़ यार, और बिल्कुल एनर्जी खत्म होती जा रही साहब भाई, चलने का देखो पैर दस रहे हैं। हो गया हूँ मैं सजा, हालांकि हवा चल रही है। नहीं खौफ भी है। हाँ खौफ भी है। हाँ सही है, सही है। क्या कहा था कि जानवरों के ढांचे मिलते हैं। आपको कुत्तों की आवाज़ें आई हैं, भेड़ियों की आवाज़ें, कोई नज़र आया आपको? कोई नहीं, कोई नहीं। कोई जानवर उस एंट्री के बाद से अब तक कोई नज़र आया आपको? नहीं। ऐसा ही होता है कि ऐसी जगहों के रास्ते ही बंद हो जाते हैं। कुमारी पे हम कैसे गए थे सुलभ? अल्लाह तमाम भाई याद है यार, ना भूलने वाला रास्ता यार, कच्ची मिट्टी टूटी भी कुमारी का, तो नदी के अंदर से गए थे भाई। जब हमें यहाँ तक आने दिए तो आगे भी आने दे, हम कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए, यहाँ रहने नहीं आइए आइए। जब हमें यहाँ तक आने दिए तो आगे भी आने दे, हम कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए, यहाँ रहने नहीं आइए आइए। ओ नोट किया, खतरा करीब आने लगता तो ये चीज़ की आवाज़ आती है। और मैंने क्या कहा है और कब आई आवाज़?
कब से हम बोल रहे हैं चल रहे हैं, नहीं आई ना। जब हमें यहाँ तक आने दिए तो आगे भी आने दें, हम कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए, यहाँ रहने नहीं आइए आइए। यार ये बहुत बड़ी दीवार है यार, यार वहां तक के बाद नजर नहीं आ रही भाई, शायद उसके आगे नहीं है, उसके आगे भी मुझे यहां से लाइट में नजर आ रही है। नहीं वो दरख्त के आगे नजर नहीं आ रही। आए मैंने कहा बात ये यहां तक तो आ गए हैं और जो सुना था वो सब वाकई देख भी लिया, अपनी आंखों से रिकॉर्ड भी कर लिया। मुझे लगता है उसके बाद शायद हमारे लिए बनाई है, रातों रात बन गई यहाँ से वहाँ तक। यार ये ऐसा लग रहा है डुप्लीकेट होती जा रही है यार, मतलब खत्म हो गया। मुझे गेट नजर आया है, बाखुदा गेट नजर आया है, मुझे ऐसा लगा गेट आ गया, बस अंदर जाना है। शायद इसके पीछे दरिया है और वो जगह है यार, ये दरख्त तक देखते हैं, ये दरख्त तक देखते हैं। आंखों को दुखने लग रहा है, खुद परेशान हो रहा हूँ। आज पता चल रहा है कि सारी रिकॉर्डिंग को देख के बोलना आसान है और खुद फील करना कितना मुश्किल काम है ना, और चलना तकरीबन 2 किलोमीटर से ज्यादा चलेगा और ये तक नहीं पता चला पैर किस जमीन पे जा रहा है, कहाँ लग रहा है, और ऐसे अजीब अनवा किस्म की आवाजें आ रही है ना, ये जिसकी कोई हद नहीं। फसल उतार दी आपने ये बोल के, अब यही लोगों को भी पता चल जाए ना। ये साथ साथ है, साथ साथ है। कोई जानवर नजर आए करीब नहीं जाना उसके, ठीक है। हाँ टटेरी हाँ टटेरी तो फिर आगे से घूम के आना है यार भाई, आगे से घूम के आने का मकसद समझे, इतना ही चलना है आपको। दस किलो वजन आपने कम करा देना है, वजन की खैर है यार, कुछ और कम ना हो वजन की खैर है, बस सही सलामत घर पहुंचा देना भाई। अल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बड़ी मखलूकात आबाद है यहाँ पे सुर पे, बड़ी मखलूकात आबाद है यार, जंगल है, वीराना है, रोशनी है नहीं, चारों तरफ दरिया है। जजीरा नहीं है, जिन्नात का पूरा मुल्क हो गया। सही काफी दूर लेते हैं यार, ये पगडंडी जा रही है जी। वो इमारत नजर आ रही है सामने लाइटों के साथ, हाँ। फ्रेम में रिकॉर्ड में आ रही है कामरान भाई? फ्रेम में नहीं आई जा रही, बहुत पीछे आ रही है, बहुत दूर आ रही है। ये पगडंडी आ रही है बीच में, देखें ये जो मेंढकों की टर टर है, ये और दिल में खौफ पैदा कर रही है। ये वही होती है सांप होते, समझ ले। मैंने आपको क्या डर ना पैदा करा, आप बहुत डरा रहे हैं। अब ये देखिए सिर्फ आपके पेड़ जा रहे हैं अंदर, साथ रहे साथ। ये फुंकार की आवाज सुनी आपने? ये कामरान फुंकार नहीं था, सांप है। बच्चे सुन रहे हो? वही आ गए साहब,
बहुत अंदर आ गए शायद भाई हम बहुत। ऐसे लोकेशन मिलती है तुम्हें? जी भाईजान ये तो कुछ नहीं, इससे ज्यादा डेंजर मिलती है यार। श्राद्ध भाई बैटरियां खत्म हो जाती हैं और हमारी भी, हमारी तो खत्म ही हो रही है अभी, लोकेशन अभी आई नहीं है जी। और मजीद लोकेशन पे आपको काम भी करना है तो जाते क्या से जरा जी आप आगे हो सकते हो। बस वो एक बारीक सी पगडंडी बनी हुई है, मुझे लगता है हालिया बारिशों के बाद ये और खत्म हो गई है सब। आवाजें बढ़ रही हैं। ये लेके जा रहे हैं हम, यकीन करें ऐसा लगता है कई सांपों के ऊपर से गुजर गए हम लोग। वो देखे सुल भाई, कामरान भाई वो दिखाओ सामने, नहीं आएगी ना सर। कामरान भाई सुल भाई लाइट जलाए, लाइट जलाए, अपनी लाइट जलाए, बस ऑन कर ले लाइट। वो देखो वो नजर आया कामरान, शायद भी वो दिखाए आया दिखा, सफेद 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 सफेद। चौथा भी है सामने, वो चौथा है सामने। यार बड़े वसी पैमाने पर है तो। तभी एक सेकंड, ऐसा नहीं लगा हाथ चल रहे, ये भी इसके पीछे उसके पीछे लाइन लगी हुई है। आए इधर आए भाई जल्दी आए, जल्दी आओ। ये देखो जी जजीरा, शिराज भाई सोहेल भाई कामरान भाई ये दिखाओ। और शायद ये हमारे लिए रुका हुआ, नहीं तो ये भी जाने वाला है नीचे। ये इसकी डेप्थ देखें, गहराई कम से कम मेरे ख्याल से ये कहां तक रह गया, ये कहां तक रह गया, ये 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 रहा घर जी, ये सब गिर गया है, ये रुका हुआ है। एहतियात से भाइयों, बिस्मिल्लाह।
दीमक है भाई, दीमक है, दीमक है, ये दीमक है, चेक कर। जाले और दीमक आपके साथ। अच्छा कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, सामने नहीं जाना है, कुछ हो जाए इधर नहीं जाना है, ठीक है। ये दिल्ली से और हाँ, ये दरिया हाँ, इधर पाँव नहीं रखना, बिल्कुल पाँव नहीं रखना। सामान भाई पूरी जगह वाइब्रेट हुई है ना, हुई है, ये चमगादड़ों के निशान है सामने। क्या है सुर भाई, गला दिया गया है। एक एक कमरा देख लो, ये डस्ट क्यों उड़ रही है। वापस आ जा, करना वापस आ जा, ये रहा वापस आ जा। ये निशानियाँ होती हैं कि आप आ नहीं पाते ऐसी जगहों पे। अब और ये रिकॉर्ड हुई होंगी आवाज़ें, जैसे कोई, जैसे कोई नाच गाना नहीं, धमाल, कोई बीट चल रही हो और ये नाच रहे हों। अभी तक आ रही आवाज़ें, भून 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 भून, डेमो डेमो। सुन भाई आपकी लाइट उधर ही रखिएगा, जहाँ लाइट होगी वहाँ ही आएगा ये। बड़े हो संभालना, ये भूंड है सामने। हाँ डेमो। हाँ क्यों डरा रहे हैं हमें। चलो कोई छत पे ऐसी चीज उछल के गिरी है यार, कोई वजह, ऐसा कोई कूदा है ऊपर से यार। हाँ यार लेकिन इतनी बारी आवा, ये एक नहीं है, ये देख सुन रहे नहीं है यार, ये तो रास्ते से ही अंदर था हो गया था। कोई छत पे ऐसी चीज उछल के गिरी है यार, कोई वजह, ऐसा कोई कूदा है ऊपर से यार। हाँ यार लेकिन इतनी बारी आवा, ये एक नहीं है, ये देख सुन रहे नहीं है यार, ये तो रास्ते से ही अंदर था हो गया था। आपने सही तो कहा यार, जजीरा है ये। दादा पैदल कितना क्या टाइम लगा होगा हमें। घंटा, एक दो घंटे पैदल आने में मैं घंटा लगा है। बैठ तो गए हमारे यार, सुन ले, अभी जाना भी है, जाना भी है। कौन से जानवर की आवाज नहीं सुनी हमने यहाँ पर यार। यार ऐसे जानवरों की आवाज तो कभी जिंदगी में नहीं सुनी। देखिए कितनी खतरनाक जगह है। यही आप लोगों को ध्यान देने का बोला था, आप और कामरान जी थे वो यहाँ तक आ गए थे, तो सुनी होगी आपने यार। ये तो रुकने ही नहीं दे रहे यहाँ पे। नहीं रुकने देंगे ना यार, जजीरा आपने कहा है, ये कोई कबीला या घर थोड़ी है। गरीब रखे हमारे, मुझे लग रहा है मैं ज्यादा डर रहा हूँ तो ये मेरे डर को महसूस कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है भाई, यहाँ से निकलते हैं, स्पीड में निकलते हैं, यहाँ पे फलोली नहीं चलती। शरद भाई हाथ पकड़े, शरद भाई, आप सजाद भाई के साथ हो तो शरद भाई निकले, स्पीड में निकले यार, खड़ा नहीं होना है सजाद भाई, खड़ा नहीं होना है। कैमरा पीछे देखते हो आप, कैमरा अपने निकलो, शरद भाई निकलो, निकलो 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 निकले निकलो निकलो कैमरा, ये धुएं उड़े, चलो चलो चलो। कोई है नहीं, कोई नहीं, नहीं अब नहीं आ रही आवाज, कोई नहीं आ रही है, अब नहीं आ रही नहीं। या अल्लाह हू अकबर, सुन तो ऊपर से कितनी है ये वो चीज है, इधर देखो यहाँ से देखो, और इतनी तेज कौन चल सकता है इतनी जगहों पे यार, खतरनाक जगहों पे। तीन है बस, निकले निकले, ज्यादा है आसपास भाई, चाहिए यार ज्यादा है तो यार, कोई मेरे पैसे आ सकती है यार, बच्चा हो यार, कहां ले आया तुम लोग, रास्ते में निकल ध्यान से भाई, बचाओ ख्याल से, वो ये बंदे रास्ता, ये रास्ता बंद है, अरे ये रास्ता बंद है, आ तो बोल दे बोल दे, अरे चले, अरे यार इतना खतरनाक रास्ता, काट दे मैं नहीं कट सकता, नहीं बता रुके, अरे मैं फंस गया हूं से। कामरान का है, कामरान ये
यार किधर रास्ता, हम अकेले रह गए सुहेल भाई। अरे यार इतना खतरनाक रास्ता, मैं नहीं कर सकता, अरे मैं फंस गया हूँ ध्यान से। सिर्फ यही आवाज आ रही है यार लोगों की हमारे पीछे। कामरान गए, कामरान यार किधर रास्ता, हम अकेले रह गए सुहेल भाई। अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा यार, मैंने बनमानस नुमा मखलूक देखी यार, दरख्त से ऊपर जा रही है, ऊपर से दरख्त में आ रही है। उठे ऐसा भी उठे, दो दफा बचाऊ गिरते गिरते। एक दफा सुहेल भाई के साथ गिरते गिरते बचाऊ, और ऊपर से कुछ पत्थर तो मेरे ऐसे सर पे लगे जैसे मेरे सर पे आके लगे। अरे मुझे यहाँ मारा गया है छत से पत्थर। सुहेल भाई रिकॉर्ड है आपके पास? हाँ रिकॉर्ड है मेरे पास। लगा मुझे छत से आके पत्थर आया मुंह पे, और जिस टाइम में आपके मुंह पे लगा उस टाइम में धुआं ही धुआं छत के ऊपर, धुआं आवाजें एक साथ, मैं कहता हूँ ना एक साथ जो आवाज़ें आती हैं जानवरों इंसानों की मिक्स। मतलब सुहेल भाई किसी को बर्दाश्त ही नहीं कर रहे थे वो, रास्ते में ही हमें जाते हुए 100 बार ऐसी आवाज़ें आईं जैसे अभी पलट जाओ, हमें ख्याल भी आया कई बार। सज्जाद भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, होता क्या पता, अगर आम पिकनिक बनाने लोग आते ना, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ वो यूँ नहीं आते जिस रास्ते से हम आए, वो जाते जजीरे की तरफ। कई बार हमने असल में हम गुजर चुके हैं इन वाक्यात से, हमने पहली मंजिल दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल हाँ। से पकड़ा है लोगों को ऑफ में, आपको नहीं पता होता कि आप कहाँ जा रहे हैं, चप्पल जो उतार के चप्पल उतर जाते हैं पैरों से आपके, आप बस आप कहते हैं मैं भाग जाऊं यहाँ से, मेरे साथ हुआ ना भी। और ये देखिए कई बार तंबी की थी इनको, पता था मैं इनको कह भी रहा हूँ साथ रहना है शिराज भाई साथ रहना है। जिस दिन तो आप मना कर रहे थे पति मेरे कदम उधर जा रहे थे, कोई धक्का दे रहा था, पति क्या हो रहा था मुझे नहीं समझ में आ रहा था यार। तकरीबन 100 फीट तो होगी नीचे, कोई डूब के नहीं मरा सुहेल भाई यहाँ से, कोई डूब के नहीं मरा। हम वहाँ पर एक मिनट नहीं रुक सके अंदर, आपको याद है हाँ? एक तो रस्ते में जो हमारे साथ हुआ हाँ? ये रिकॉर्डिंग्स आपको सुनाते हैं दोबारा, एक एक चीज की सुनाते हैं। और स्मेल है। चले जाए हम यहाँ से। फिर वहाँ पर पहुँचते ही 1, 2, 3, 4 और जो सबसे कोने पे था ना पांचवा हाँ। जो सबसे एंड पे था जिसके हाँ। बाद दरिया था हाँ। उधर तो पाँव नहीं रख सके, पाँव नहीं रख सके यार। ऊपर से ऐसी आवाजें जैसे वो यार गिर जाएगी अभी छत। यार मुझे ऐसा लग रहा है वो रक्स नहीं कर रहे ऊपर, धड़म धड़म
और वो अच्छा ठीक है सर भाई, नीचे कोई करता है ना, अंदर पत्थर भी अक्सर हमें पड़ते हैं यार, ऊपर इतना बड़ा ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा पहाड़ आगे गिर गया उसके ऊपर यार, कोई पीस आगे गिर गया, कोई पहाड़ी पत्थर। और जहाँ हम खड़े हो ना, हमारे सर के ऊपर। निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ, हमारी जगह है, निकल जाओ यहाँ से, हमारी जगह। पर जानवर की नुमा इंसानी आवाज थी। मुझे 4 से 5 मुख्तलिफ आवाजें एक साथ आई, जैसे ऊपर से यही हुआ सर भाई, 4-5 आवाजें थी और आवाजें भी मुख्तलिफ थी। हाँ। कोई एक जैसी आवाज नहीं थी उसमें, और बोल एक साथ रहे थे, बोल एक साथ रहे थे। जैसे ही कदम रखा है आप आगे गए हो और एक साइड से मुड़े, उसके बाद अचानक ये शुरू है ना, ऐसा लगा भूचाल आ गया, ऐसा लगा कि पूरी बिल्डिंग हिल रही है या छत हिल रही है, और उसके बाद जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ होता रहा। और स्मेल है। चले जाए हम यहाँ से, हम बदहवास कर दिया, मतलब होश आवाज खो बैठे। एक तो रास्ते में इतना किया, वो अजीब से खेमे मिले, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिली, अजीब सी औरतों की बच्चों की हर नस्ल की आवाज़ मिली है। साहब भाई आज तक जितना भी काम किया है ना, इतना दूर पैदल लोकेशन के ऊपर नहीं गए पैदल यार, कभी इतना नहीं चलना पड़ा हमें, कम से कम पता नहीं कितने किलोमीटर हम चल गए, वापसी तो भागते भागते हम आए। चौकीदार भाई ने जहाँ हमें खुदाफिस कहा है ना, जहाँ से हमने अपना सफर का आगाज किया है, उन्होंने क्या कहा, आसपास आबादी नहीं है दूर दूर तक, वो बच्चों की आवाज़ें कहाँ से आ रही थी, औरतों की, वो घंटे की आवाज़ किया तो हमारे साथ साथ चल रही थी हर जगह, कैसे। और ये नहीं लगा आपको कोई हंसते हंसते बार बार भाग रहा है हमारे, इधर से उधर से? आपको क्या कहा कि वो झाड़ियों से मुझे आवाजें आ रही थी, उन झाड़ियों के पास के अंदर झुग्गी बनी हुई है यार, कांटों के अंदर, कैसे, जबकि कोई आया नहीं है। ये है क्या, ये कोई आया नहीं, उनका कपड़ा, इधर तो एक अरसे से आबादी ही नहीं हुई है, कोई आया गया ही नहीं है। और वो चुड़ैल नुमा दरवाजा जहाँ हमने क्रॉस किया है, आवाजें आ रही हैं, आवाजें आ रही हैं, ये किसी चीज से गल गया है, ये किसी चीज में नहीं है, मुझी बात है कि एक ही बेकिट है। हम करीब पहुंच रहे हैं भाइयों, चले, मैं तो यहाँ से कह रहा था अपने आप को, जैसे इनको लगा था ना कि यार आवाज ना रात को गूंजती है, कोई हवा के साथ जो आवाजें आ रही होंगी, कोई बाड़ा होगा दूर, कोई जानवर होंगे, किसी घंटी की आवाज कुछ होगी, लेकिन जब हम 2-4 किलोमीटर आगे चले गए, जहाँ दूर दूर हद्दे निगाह कुछ नजर नहीं आ रहा, अंधेरा मट्टी, उधर जब घंटियां हमारे करीब आ रही है ना, वहां मैंने कहा यार ये गड़बड़ है। जहाँ मैंने आप लोगों से कहा था कि मर्जी, आगे जाना है जाए, नहीं जाना तो नहीं जाए, पहले खुला हुआ था, जब गए तो बंद था, किससे बंद किया पीछे, अच्छा मुझे हम कैसे कूद के निकल के आए, कह कहा था, वो 1 सेकंड में इधर 1 सेकंड में इधर, ऐसा लग रहा है कि इधर हमारे चारों तरफ घूम रहा है। वो क्या चाह रहे थे कि हम खुदा ना खासा ऊपर से जंप लगा दें नीचे, वो क्या होता साहब भाई, हम पे तो अल्लाह का करम हो गया और हमेशा रहेगा। तीन जाने मैं आपको अर्ज करूँ, ये रिकॉर्डिंग के अंदर है कि भाई हमारे 10 बार एक बात हुई है कि उस तरफ नहीं जाना, ठीक है, वहाँ था एक खड्डा, ये खड्डे में चले गए थे, बिल्कुल मैंने इनको पकड़ा है, मैंने इनको इत्तफाक किया पकड़ा है, ये कुदरती हुआ है, खड्डे में ज्यादा डिसबैलेंस होते और ऐसे अल्लाह माफ करे नीचे जा। पीछे 100 फीट खाई है, मैंने नई जिंदगी दी है यार, ये समझ लें इनका तो बस नहीं चला, नहीं तो हमने से कोई वापसी मुश्किल ही थी, मुश्किल थी, इसका तो बस नहीं चला, शदीद पंजे गाड़ लिए इस मखलूक ने, यहाँ पे खानदानों के खानदान आबाद हैं, सिर्फ जिन्नात नहीं उनके जानवर भी आबाद हैं, यहाँ पर पूरा जजीरा सही नाम दिया है इसको, सही दिया, आपको इलाका बता दिया है, आपको दोबारा बता देता हूँ मैं, बंद मुराद खान जिनकी हवेली पर भी हम गए थे जी, ठीक है, ये हब डैम की जो बाउंड्री है अतराफ में, सारा इलाका बंद मुराद खान कहलाता है, आपको अगर देखना हो, आपको रास्ता बताया हमने, ये 5 हट कह लें, गेस्ट हाउस कह लें, अंग्रेज़ों के ज़माने के, और कई लोगों ने वो बंद मुराद खान की हमारी जो लोकेशन थी ना, उसको गूगल मैप से भी सर्च किया था, और लोग कह रहे थे आप गए चले कहाँ गए हो, इतने अरसे से ना कोई जगह ऐसी खाली नहीं होती, अब अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी हुई जगह तकरीबन 60-70 साल, उस टाइम से लेके अब तक ये जगह वीरान, कोई आ जा नहीं सकता जी,
यहाँ उस वक्त क्या हुआ है ऐसा? सुहेल भाई बिल्कुल हुआ कुछ बहुत बड़ा ही है, कुछ बड़ा ही है। दरियाओं में आसपास क्या फेंका गया है, क्या अमल किए गए हैं, क्या यहाँ पर लोगों की नीयतें रही हैं, किस तरह की हरकत हुई हैं जिसके ऐसा नतीजे हैं कि बर्दाश्त नहीं कर रहे किसी को। नो मैंस लैंड होता है ना कि ह्यूमंस आर नॉट अलाउड। हाँ, इंसान बर्दाश्त नहीं है। रस्ते में हमें टटेरी ने रोका। हाँ, रस्ते में मेरे पूरे जिस्म के रोंगटे खड़े हुए, कम जगहों पे होते हैं, सिर्फ हाथों के नहीं पूरी बॉडी के, पाँव के भी खड़े हुए। रस्ते में हमें कुछ ऐसी आवाज़ें आई वार्निंग्स के तौर पे कि नहीं यार आगे मत जाओ। दिल ने भी एक दो तीन बार कि यार नहीं जाते, बस बस ये ख्याल था कि चलो यहाँ तक आ गए, सिर्फ देख लें। और हमने देखा ही है सिर्फ, हम अंदर रुक नहीं सके हैं ज़्यादा देर, ठहर नहीं सके ज़्यादा। ये सब आपके सामने बहुत एक्टिव जगह है शदीद। मैंने आपको एड्रेस बता दिया है। सबसे पहले तो हमें बिल्ली मिली जो खरगोश की चना चल रही थी। हाँ। चली आई कहाँ से ऐसे जंगल में, और वो एक ही, वो भी एक ही। ये भी मैं कहूँ ना, ये भी मैं कहूँ कि ऐसी अजीब सी हरकत की जाती है ताकि आपको इशारा मिल जाए ना। और इशारे हमें कई मिले, कई दिल में हम सब कह रहे थे अभी चलते हैं वापस, बस छोड़ो आगे चलते हैं, कई वैसे मौके आए। हाँ, सही कह रहे हैं। लेकिन ये हुआ कि जो सुना था ना, एक बिल्डिंग का सुना था हमने, एक हट का सुना था हमने, पाँच छः देखे, रिकॉर्ड किए, जो जितना ठहर सके ठहरे, जहाँ हमें लगा ना कि अब जान की बात है या खुदा ना खास्ता एक मुकाबले की बात है जो हम कभी करते नहीं, एक ज़िद की बात है जो हम कभी करते नहीं, कोशिश करते हैं, तो हमने बस ये समझा कि खैर खैरियत से वापस चलें और पीछे मुड़ के ना देखें। कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हो पीछे मुड़ के नहीं देखते, बस चलते रहते हैं मंजिल की तरफ। और ये जो साथ है ना, बिल्कुल ये बचा लेता है, दुआएँ बचा लेते हैं, थोड़ा सा तजर्बा बचा लेता है जी। बिल्कुल, ये सब सामने है, एक एक चीज़ सामने है। आपके तजुर्बे से तो मैं बच गया यार, बट करम भरोसा, अल्लाह का शुक्र है लाल रसाने में। मेरा भी तजुर्बा लोकेशन पे आना कम है क्योंकि मैं इतना बदहवास हो गया, मैं जगह मतलब मैं आंखों से देखते हुए भी रिमेंबर नहीं कर सका कि किधर खाई है, किधर हाउल है, किधर जगह। चलो अल्लाह ने करम कर दिया, शुक्र अदा करें शिराज भाई, शुक्र अदा करें। अल्लाह नफिल पढ़ूंगा जाकर। बिल्कुल।